ब्रह्म मुहूर्त, सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का टाइम 3:30 बजे से या 4 बजे से, 3:30 और 4 बजे के बीच कभी भी आप खड़े हो सकते हैं। 4 बजे का टाइम ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। ब्रह्म मुहूर्त यानी परम पिता परमेश्वर ब्रह्म, ब्रह्म लोक के ब्रह्म को जानने वाले योगी और उस कोटि के विद्वान महापुरुषों के साथ साथ परम पिता परमेश्वर के स्वरूप में अनेक लोग ब्रह्म मुहूर्त में आसमान में ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे शुभ मुहूर्त माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अगर आप कोई भी प्रयाद, कोई भी नाम जाप यज्ञ तपस्या कुछ भी करते हैं तो उस टाइम में क्या होती है, पूरी की पूरी सतोगुण वृद्धि होती है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर तमोगुण का कोई काम नहीं होता, रजोगुण का कोई काम नहीं होता, सिर्फ सतोगुण ही मिलेगा आपको। तमोगुण रजोगुण यानी तमोगुण रजोगुण आपको शॉर्ट में बता देते हैं, राक्षस प्रवृत्ति की जो भी विकार विषय है जो भी है वो इस टाइम में क्या होते हैं, सोए हुए होते हैं, निंद्रा में होते हैं। इस टाइम बिल्कुल उनकी बुद्धि कोई काम नहीं करती, निंद्रा के अंदर होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ सत परमपिता परमेश्वर को जानने वाला और परमपिता परमेश्वर के भगत और ईश्वर के जितने भी संत हैं, संत के रूप में लाखों करोड़ों उच्च कोटि के जो विद्वान है वो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, तपस्या करते हैं और उस परमपिता परमेश्वर को अपने पास बुलाते हैं। कोई भी सिद्धि, किसी भी प्रकार की कोई भी सिद्धि आपको प्राप्त करनी है, भगवान से मिलना है तो सबसे शुभ मुहूर्त, शुभ टाइम होता है वो 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का होता है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप 1 महीना रोज पाठ करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह 1 घंटा पाठ करते हैं, आपका बराबर माना जाएगा, बराबर माना जाएगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की एक अपनी ही विशेषता होती है, क्योंकि यह टाइम परमपिता परमेश्वर का फिक्स किया हुआ टाइम है, सतोगुण वृद्धि का, ईश्वर का और ईश्वर के भक्तों का टाइम होता है। इसलिए आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे बैठकर दिव्य मंत्रों का, अब फिलहाल अपने बागेश्वर धाम में हनुमान चालीसा का 25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है विद्वान पंडितों द्वारा, तो आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर कर रहे हैं, बागेश्वर धाम में तो चल ही रहा है, आप अपने घर के अंदर कर रहे हैं तो जो भी आप मांगोगे, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो तुरंत पूरी होगी, तुरंत पूरी होगी, पक्की दावे के साथ है। बागेश्वर बाबा के नाम लेकर, बागेश्वर बाबा का ध्यान धर के सुबह 4 बजे उठ के, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अच्छा खाली पेट होना चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी पी ले और बैठ जाइए आलाती पलाती मार के, हनुमान जी महाराज का पावन स्वरूप आगे रखिए और हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पावन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंत निवार सुमत के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान चालीसा का दिव्य पूरा का पूरा पाठ एक बार नहीं जो सत बार पाठ करे कोई छूटे बंदी, महासुख होई। महासुख यानी महासुख नहीं महासुख, कोई भी किसी भी प्रकार की सिद्धि आप लेना चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो आपको शुभ मुहूर्त के अंदर आप गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लेके, गुरुदेव भगवान का चिंतन करके, सन्यासी बाबा का चिंतन करके, बालाजी महाराज का चिंतन करके, अगर शुभ मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी कार्य आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपका फल आपको 100% बोल रहे हैं, 100%, क्योंकि हम भी सन्यासियों और बाबाओं के साथ रहते हैं, हमारा भी एक अनुभव है कि आप अगर ये ब्रह्म मुहूर्त में कार्य करेंगे तो ऐसी कोई भी रुकावट नहीं है कि आपके फल को आपसे रोक देगी। आपको जो आपके मन में श्रद्धा है, एक एक श्रद्धा रखना, एक
मतलब संकल्प जो है अपना कोई भी किसी भी चीज का एक रखना, बार बार नहीं ये भी हो जाए वो भी हो जाए ये भी हो जाए वो भी हो जाए, एक चीज कोई भी मांगना आपकी सन्यासी बाबा बागेश्वर बाबा और गुरुदेव भगवान आपकी वह इच्छा पूरी करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है बागेश्वर धाम में और आप भी अपने घर बैठे उस गुरुदेव भगवान का ध्यान रखते हुए, बालाजी महाराज का ध्यान रखते हुए अपनी समस्याओं को उनके सानिध्य में रखिए, अपनी समस्याओं को बोलिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप अपना काम हनुमान चालीसा का शुरू कीजिए। आपके घर के अंदर सारी चीजों की कमी जो भी है वो पूरी होगी, चारों तरफ से पैसा ही पैसा, चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आपके घर में आएंगी। बोलिए सन्यासी बाबा की जय, बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बोलिए बालाजी महाराज की जय।